नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा। स्वागत है आपका स्केचअप ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3D टेक्स्ट के बारे में, कैसे आप 3D टेक्स्ट लिख सकते हो और एडिटेबल 3D टेक्स्ट क्या होता है, कैसे आप उस चीज को अपने किसी भी 3D सरफेस पे आप लिख सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब मान लो मेरे पास, मैंने यहाँ पे कोई भी एक बॉक्स लिया और मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ। ये 3D बॉक्स है मेरा यहाँ पे, और मैं किसी भी टाइप का मान लो एक डिजाइन इस पे बना देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिया, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, मूव किया, कुछ इस टाइप का है। और यहाँ पे मुझे एक 3D टेक्स्ट लिखना है। तो 3D टेक्स्ट के लिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, 3D टेक्स्ट, ड्रॉ 3D टेक्स्ट। आप इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका एक टेक्स्ट एडिटर आपका ओपन होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी 3D टेक्स्ट लिख सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 3D टेक्स्ट, क्लियर। और आप किसी भी सरफेस पे आप जाएंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे तो आप कहीं पे भी उस टेक्स्ट को यहाँ से प्लेस कर सकते हैं। आप देख पाएंगे कि आपका ये 3D टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है, क्लियर है। आप इसे मूव कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर मैंने इसको डिलीट किया, दोबारा 3D टेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, आपको दोबारा से यहाँ पे 3D टेक्स्ट ओपन होगा। तो पहले तो आपको इसमें क्या है कि प्लेस 3D टेक्स्ट, आप यहां पे कुछ भी लिखेंगे 3D टेक्स्ट। यहां से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं कि किस टाइप का आपको फॉन्ट चाहिए। यहां पे आपके कंप्लीट फॉन्ट है, कोई भी फॉन्ट आप यहां से यूज कर सकते हो। तो ये आपके यहाँ पे फॉन्ट, आप किसी भी टाइप का यहाँ पे फॉन्ट यूज कर सकते हो। यहां से आप कर सकते हो कि आपको रेगुलर करना है या बोल्ड करना है। जिस भी फॉन्ट में आपके बोल्ड करने के ऑप्शन रहेंगे तो आप यहां से उस फॉन्ट को बोल्ड भी कर सकते हो, अगर ऑप्शन रहा तो, क्लियर। उसके बाद है अलाइनमेंट, आपको लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, राइट करना है। मान लो आपने लिखा 3D टेक्स्ट, एंटर, और यहाँ पे लिखा आपने स्केचअप, यहाँ पे लिखा गूगल, और आप इसे कर देते हो सेंटर अलाइन, तो ये आपका सेंटर अलाइन आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर आप राइट अलाइन करेंगे तो ये आपका राइट अलाइन आएगा कुछ इस तरीके से, क्लियर है। उसके बाद है कि आपको टेक्स्ट की हाइट कितनी चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट की हाइट है 10 इंचीज, तो आप इसे चेंज करके कर सकते हो कि मेरे को 2 फीट की टेक्स्ट की हाइट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्म फिल्ड। अगर आप यहाँ पे फॉर्म को फिल्ड करते हैं तो आपका फिल्ड टेक्स्ट आएगा। अगर आप एक्सट्रूड करते हैं तो एक्सट्रूजन आएगा। अगर आप यहां से फिल्ड हटाएंगे, प्लेस करेंगे, तो आपका प्लेन टेक्स्ट आएगा, जो कि आप यहां पे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्लियर है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है कि 3D टेक्स्ट में अगर मेरे को अब इसके अंदर कुछ एडिटिंग करनी है, टेक्स्ट एडिटिंग करनी है, एक्सट्रूजन करना है, फिल्ड को हटाना है, तो इसके अंदर क्या ऑप्शन है कि आप इसको एडिट नहीं कर सकते। आप इसे स्केल कर सकते हैं, यहाँ पे स्केल की हेल्प से आप इसे मूव कर सकते हैं, आप इसे रोटेट कर सकते हैं, बट अगर आपको इसे एडिट करना है तो आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है एक्सटेंशन, यहाँ पे विंडोज पे और एक्सटेंशन वेयर हाउस पे आपको जाना है। और यहां पे आपको लिखना है 3D टेक्स्ट एडिटर, तो आपको ये एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। आपके पास यहां पे आएगा 3D टेक्स्ट एडिटर, आपको इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको ये एक्सटेंशन यहां से इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो अगर आप जाते हो एक्सटेंशन मैनेजर पे, तो यहाँ पे 3D टेक्स्ट एडिटर आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे 3D टेक्स्ट एडिटर, अनेबल कर दो इसे एंड क्लोज करो। अब 3D टेक्स्ट, एडिटेबल 3D टेक्स्ट लिखने के लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है यहाँ पे ड्रॉ पे, और यहाँ पे है एडिटेबल 3D टेक्स्ट, इस पे क्लिक करो। अब इस पे क्लिक करोगे तो देखो आपका यहाँ पे 3D टेक्स्ट एडिटर सेम ओपन आ गया, बट आप इसके साथ ही अपने टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं। जिस भी प्लेन पे आप जाओगे उसी प्लेन को वो पिक करेगा, और उसी प्लेन पे आप इसको इजिली लिख सकते हैं। अब आपने यहाँ पे इस 3D टेक्स्ट को लिखा, आपने यहाँ पे प्लेस किया, अंडू करता हूँ दोबारा से, इसको डिलीट किया, दोबारा से लिखता हूँ ड्रॉ एडिटेबल 3D टेक्स्ट, और इस फेस पे जाके आप यहाँ पे इजिली लिख सकते हैं। आप इस फेस पे क्लिक करें तो आपका यहाँ पे इजिली टेक्स्ट आपका आ जाएगा। अब यहां से अगर आप एडिट करेंगे, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे 3D टेक्स्ट, तो वो टेक्स्ट आपका वहां पे लिखा हुआ आएगा, और यहां से आप इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं।
यहीं से आप इसकी हाइट को चेंज कर सकते हैं। मान लो आपने 2 फीट किया, आपकी 2 फीट की हाइट आ जाएगी। 4 फीट करोगे, आपकी 4 फीट की आपकी हाइट आ जाएगी यहां पे। क्लियर है? उसके बाद है, यहीं से आप इसको बोल्ड, यहीं से आप इटैलिक कर सकते हो अपने 3D टेक्स्ट को। उसके बाद अलाइनमेंट दे सकते हो। मान लो अभी अलाइनमेंट मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, स्केचअप दीपक वर्मा ये लिखता हूं मैं यहां पे। साइज इसका थोड़ा सा कम कर लेता हूं, 2 फीट मैंने साइज किया। तो ये आपका लेफ्ट अलाइन है, आप इसे सेंटर अलाइन कर सकते हो तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा। राइट अलाइन करोगे आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा। क्लियर है? उसके बाद है, अगर मैं ओनली फील्ड करता हूं, यहाँ पे फील्ड को अनचेक करता हूं तो वो कुछ इस तरीके से टेक्स्ट आएगा। फील्ड करूंगा तो वो फील्ड दिखाएगा और कितना एक्सट्रूजन चाहिए आप यहां से डाल सकते हो कि मेरे को यहाँ पे 6 इंचेस का एक्सट्रूजन चाहिए तो 6 इंचेस का एक्सट्रूजन आपको दिखाएगा। अगर आपको एक्सट्रूजन नहीं चाहिए तो एक्सट्रूजन को आप हटा दो तो वो एक्सट्रूजन नहीं आएगा। फील्ड भी नहीं चाहिए तो आप फील्ड को भी अनचेक कर सकते हो तो आपका फील्ड भी यहाँ पे नहीं आएगा। अब अगर करने के बाद आप इसे क्लोज कर देते हो और अगर अब आपको इसे एडिट करना है तो आप इसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें और यहाँ पे आएगा एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, दोबारा से आपका फिर से 3D टेक्स्ट एडिटर ओपन होगा यहाँ से और आप इसे अब एडिट कर सकते हो अपने टेक्स्ट को। जो भी आपको टेक्स्ट को यहाँ पे एडिट करना है, साइज चेंज कर सकते हो, जो भी आपको साइज चेंज करना है। मान लो 4 फिट का साइज देना है, आप यहाँ से साइज दे सकते हो। 6 फिट का साइज देना है, आप इस तरीके से अपने साइज को यहाँ से दे सकते हो। उसके बाद अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ यहाँ से, उसके बाद है आप इसे स्केल की हेल्प से भी अपने साइज को रिसाइज कर सकते हो कि आपने स्केल लिया कि आपको कितना स्केल यहाँ से कम करना है। अगर आपको इस 3D टेक्स्ट में कोई भी टेक्सचर डालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अभी ये कंप्लीट टेक्स्ट आपका ग्रुप में है, आप इसे डबल क्लिक करें, आप ग्रुप के अंदर चले जाएंगे और आप यहां से पेंट बकेट टूल की हेल्प से आप इसे पेंट कर सकते हैं कि आपको कितना कहां पे पेंट करना है। क्लियर है? अब कंप्लीट व्हाइट पे एक जैसा पेंट करना है, मान लो आप यहां से कोई भी पेंट चूज करें और शिफ्ट प्रेस करके इस पे पेंट करेंगे तो कंप्लीट व्हाइट पे एक जैसा पेंट आएगा, क्योंकि लास्ट वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं मटेरियल के बारे में कि किस तरीके से ये वर्क करता है। क्लियर है? तो ऐसे करके आप 3D टेक्स्ट को यहां से यूज कर सकते हैं। आप बार क्लिक करेंगे तो आपका ये 3D टेक्स्ट इस तरीके से यहां पे आ जाएगा। अगर ये रोटेट करना है आपको तो आप रोटेशन कमांड डाल सकते हैं और आप इसे किसी भी एंगल पे जैसे आप रोटेट करना चाहें तो आप इसे रोटेट कर सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से रोटेट करना है, इस तरीके से रोटेट करना है। आप ऐसे भी इस चीज को रोटेट कर सकते हैं। किसी भी फेस पे आपको लिखना है तो आप 3D टेक्स्ट एडिटर पे जाएं और उस फेस पे आप क्लिक करें, उस फेस पे आपका टेक्स्ट आ जाएगा। क्या साइज रखना है वो साइज आपका आ जाएगा और क्या लिखना है आप यहां से उस चीज को एडिट कर सकते हैं। और फिर फॉन्ट अलाइनमेंट हाइट फॉर्म फील्ड एक्सट्रूजन आप अपने तरीके कर सकते हैं और सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट कर सकते हैं और फिर यहां से आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से इस चीज को एडिट करना है। तो ऐसे आप किसी भी फेस पे 3D टेक्स्ट को लिख सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई कर्व सरफेस हो, अगर आपके पास कोई सर्कल हो, कोई स्फीयर हो, कोई आपका राउंडेड सरफेस हो, उस पे आप 3D टेक्स्ट को कैसे लिख सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में। अगर आप पिछले वाली वीडियो किसने नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल पे जाएं, स्केचअप की पहले वाली वीडियोस को भी आप अच्छे से देखें और भी सॉफ्टवेयर्स के बारे में आप यहां से नॉलेज ले सकते हैं, जैसे रेविट, 3ds मैक्स, वीरे, फोटोशॉप और इन्हीं सब सॉफ्टवेयर्स के बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।